Hello students, today we will talk about linear search algorithm. इससे previous lecture में हमने discuss किया था searching techniques, जिसमें हमने दो तरह की searching techniques के बारे में पढ़ा था, sequential search and interval search. तो sequential search की type में हम पढ़ रहे हैं linear search. तो लीनियर सर्च क्या है बेसिकली? इट इज़ अ सिंपल सर्च एल्गोरिदम. मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड आउट सम एलिमेंट इन अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स देन दिस सर्चिंग एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड. इन दिस टाइप ऑफ सर्च अ सिक्वेंशियल सर्च इज मेड ओवर ऑल द आइटम्स वन बाय वन. क्या मीनिंग है इसका कि हम जो हमारे पास सेट ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैं उस में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक गिवन एलिमेंट है उसे सर्च करते हैं सिक्वेंशली वन बाय वन. हम क्या है, हर एलिमेंट को चेक करते हैं. सो एवरी आइटम इज चेक्ड एंड इफ अ मैच इज फाउंड देन दैट पर्टिकुलर आइटम इज रिटर्न्ड. अदरवाइज द सर्च कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द डाटा कलेक्शन. विच मीन्स दैट कि हम क्या कर रहे हैं, एक आइटम ले रहे हैं जिसे हमने सर्च करना है और उस आइटम को हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन जो हमारा डाटा कलेक्शन है उसके हर एलिमेंट के साथ चेक कर रहे हैं. अगर हमें मैच मिल जाता है कहीं तो हम कहते हैं कि हमें वो आइटम फाइंड आउट हो गया उस पर्टिकुलर डाटा कलेक्शन में और हम बाहर आ जाते हैं, हमारी सर्चिंग प्रोसेस है जो वो फिनिश हो जाती है. अदरवाइज़ क्या है, हम जब तक हमें वो एलिमेंट नहीं मिल जाता या हम उस डाटा कलेक्शन के एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम सर्च करते रहते हैं. जैसा कि इस इमेज में, इस एनिमेशन में शोन है कि हमारे पास क्या है, कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 10, 14, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 42 एंड 44, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड आउट 33 कि हमने क्या सर्च करना है कि क्या इन सेट ऑफ एलिमेंट्स में 33 है जो वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. तो जैसे कि आपको इस एनिमेशन में शोन है कि हम 33 को वन बाय वन कंपेयर कर रहे हैं. 33 इज़ कंपेयर्ड विद 10 इज नॉट इक्वल देन विद 14 देन विद 19 अप टू जब तक हमें वो एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर हम इस डाटा कलेक्शन के एंड तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है? तो देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिक्वेंशियल सर्च. अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं. ये हमारे पास क्या है, एक 6 एलिमेंट्स का एरे है. आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि एरे क्या होता है. अब हमारे पास क्या है, ये 6 एलिमेंट्स का एक एरे है और हमने क्या करना है, एक एलिमेंट हमें गिवन है उस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि इस एरे में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है? तो फर्स्ट जो सेल्स हैं वो क्या बता रही हैं, वो हमारा गिवन एरे है जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं. इंडेक्स मैंने बताया था आपको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, अप टू 5 तक हमारी इंडेक्सिंग है जो हो जाएगी. तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं एरे के, 5, 9, 10, 2, 90 एंड 4, ठीक है? और हमने क्या सर्च करना है, 2 सर्च करना है. हमें गिवन वैल्यू है 2 और उस 2 वैल्यू को हमने सर्च करना है कि वो इस गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है? तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम पहले 0th एलिमेंट से, मीन्स एरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे सर्च करना. और हम क्या करेंगे, एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 5, ठीक है? तो हमने क्या सर्च करना है, 2 के लिए सर्च करना है. हमने कंपेयर किया 5 को 2 के साथ, ठीक है? इस 5 को 2 के साथ कंपेयर किया, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये मैच करते हैं, क्या एरे का फर्स्ट एलिमेंट वही एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं. 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2 क्योंकि हमारा जो टू बी सर्च एलिमेंट है वो क्या है, 2 है और 5 क्या है हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट है. तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2 इसका मतलब क्या है कि हम एरे के नेक्स्ट एलिमेंट तक पर जाएंगे, ठीक है? हम नेक्स्ट एरे का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 9,
फिर हम क्या करेंगे, 2 को 9 के साथ कंपेयर करेंगे, वेदर 9 इज इक्वल टू 2, नो, नहीं आया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा क्या है, 10 है, ठीक है, तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स कि हमारी अभी सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, हमें ना तो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है जो वो मिला है, ना ही हम एरे के एंड तक पहुँचे हैं, ठीक है। 10 2 के इक्वल नहीं है तो हम फिर आगे चलेंगे। अब ये क्या है, एरे एलिमेंट 2, ठीक है, 2 इज़ इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे थे वो हमें मिल चुका है। 2 इज़ इक्वल टू 2, इट मीन्स 2 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3, मीन्स पोजीशन, फोर्थ पोजीशन है जो हमारा, जो एरे का फोर्थ एलिमेंट है उसके इक्वल हम जो वैल्यू सर्च कर रहे थे वो मिल चुकी है। तो हमारी सर्चिंग प्रोसेस है जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो सर्चिंग प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, या तो हमें वो एलिमेंट मिल जाए जो हम सर्च कर रहे हैं, या हम एरे के लास्ट तक पहुँच गए सर्च करते करते और हमें वो एलिमेंट नहीं मिला, विच मीन्स दैट कि वो एलिमेंट हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से हमारी जो सर्चिंग प्रोसेस है लीनियर वे में प्रोसीड करती है, ठीक है। तो इसे हम विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम की हेल्प से हम लीनियर सर्च को कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम गिवन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कैसे हम स्टडी करेंगे, हमारे पास लीनियर सर्च एल्गोरिदम का नेम है जिसमें ए क्या है, हमारे एरे को डिनोट कर रहा है, एन क्या है, एरे के मैक्सिमम साइज है, जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो एरे है उसका साइज है, और वैल क्या डिनोट कर रहा है, वो वैल्यू जो हमने सर्च करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने पोजीशन सेट कर दी -1। ये पोजीशन क्या है, वो इंडेक्स वैल्यू है जो हमने रिटर्न करनी है जब हमें एलिमेंट उस एरे में मिल जाएगा, या फिर हम एरे के लास्ट तक पहुंच के बिना उस आइटम को सर्च किए, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, आई 0 के इक्वल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेट कर दिया आई इज इक्वल टू 0, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। तो हम आई एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिपीट स्टेप 4 व्हाइल आई इज लेस देन n। इसका मतलब क्या है कि हमने इस पूरे के पूरे स्टेप 4 को एग्जीक्यूट करना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, कब तक, जब तक हमारी आई की वैल्यू है वो एरे के मैक्सिमम साइज से लेसर रहेगी, मींस हम एरे के लास्ट तक सर्च करेंगे, ठीक है। हमने जो एलिमेंट सर्च करना है, जो वैल्यू हमने सर्च करनी है, उसे हमने कब तक सर्च करना है, जब तक हमें एरे का एंड पॉइंट नहीं मिल जाता, जब तक हम एरे के मैक्सिमम साइज तक नहीं पहुंच जाते, सारे के सारे एलिमेंट्स को हम सर्च नहीं कर लेते, ठीक है। तो स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, इफ़ ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू वैल। इसका मीनिंग क्या है कि एरे क्या, एरे ए है जो हमारा, उसका आईएथ एलिमेंट अगर वैल के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जो वैल हमने सर्च करनी है, वैल डिनोट क्या कर रहा है, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, ठीक है, और ए ऑफ आई क्या डिनोट कर रहा है, एरे का आईएथ एलिमेंट, ठीक है। तो हमने इनिशियली 0 रखा था, तो ए का जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट मीन्स हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वैल को, अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं, अगर मैच करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी डिज़ायर्ड आइटम वहाँ पर मिल गई है, तो हम क्या कर देंगे, पोजीशन की वैल्यू को सेट कर देंगे आई के इक्वल, मीन्स हमें आईएथ इंडेक्स वैल्यू पे वो आइटम मिल गई है और हमने उसे मैसेज प्रिंट कर दिया कि वैल्यू फाउंड एट पोजीशन POS लोकेशन पे, ठीक है। और हम कहाँ चले जाएंगे, हम सिंपली एग्जिट कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हमें आइटम मिल गई तब हमने एग्जिट कर जाना है, या फिर अगर आइटम नहीं मिलती हम एंड तक पहुँच जाते हैं तब हमने एग्जिट कर जाना है। तो जैसे ही हमें आइटम मिल गई तो हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप 6। तो स्टेप 6 में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए हमें इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो आई
क्या हो जाएगी, आई प्लस वन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू आपकी चेंज हो गई। फिर हमने रिपीटेडली फिर से स्टेप फोर करना है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, एन से लेसर है। अब आई की वैल्यू क्या है हमारी, वन, वन इज़ लेस देन एन। तो हम अगर पिछला एग्जांपल लेकर चले तो सिक्स हमने लिया था मैक्सिमम साइज, तो वन इज़ लेस देन सिक्स। तो हम फिर से सर्च करेंगे कौन से एलिमेंट के साथ, ए ऑफ आई, मीन्स अब आई की वैल्यू है वन, तो हमने ए ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के साथ सर्च करना है, कंपेयर करना है वैल को, ठीक है। अगर मैच कर जाता है तो हमने क्या करना है, हमने पोजीशन की वैल्यू आई सेट कर देनी है और पोजीशन वैल्यू रिटर्न कर देनी है, प्रिंट कर देनी है और एग्जिट कर जाना है, ठीक है। ये स्टेप हम कब तक परफॉर्म करते हैं, ये स्टेप्स हम कब तक परफॉर्म करेंगे, जब तक हमें वो आइटम मिल नहीं जाती या हम एरे के एंड तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। अदरवाइज अगर हम एंड पे पहुंच गए, एंड पे पहुंचने का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू एन से ग्रेटर हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही हो गई तो हमने क्या कहना है, अगर पोजीशन हमारी माइनस वन ही है जो हमने इनिशियली सेट की थी, मींस माइनस वन क्या हमने डिनोट करने के लिए ले लिया, एक फ्लैग वैल्यू ले ली कि नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यू माइनस वन के इक्वल है तो हमें वो वैल्यू हमारे एरे में नहीं मिली, तो वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे, ये मैसेज प्रिंट करेंगे और हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। वही बात है, हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू है सिक्स, ठीक है। आई की वैल्यू हमने ज़ीरो सेट कर दी, पोजिशन की वैल्यू इनिशियली हमने क्या कर दी, माइनस वन विच डिनोट्स द नॉट फाउंड, ठीक है। और हमने क्या किया, ज़ीरो से लेकर लेस देन एन तक सर्च किया, एन क्या है सिक्स है, तो हमने फाइव तक चेक किया, ठीक है। वन बाय वन हमने सिक्वेंशली सर्च किया उस वैल्यू के लिए पूरे के पूरे एरे में। तो पहले हमने ए ऑफ ज़ीरो से मैच करना स्टार्ट किया वैल को, जैसे हमने फाइव के साथ मैच किया था टू को। तो सपोज़ हमारी वैल की वैल्यू है टू और हमारा ए ऑफ आई, ए ऑफ ज़ीरो क्या है फाइव, फाइव इज़ नॉट इक्वल टू टू, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो वन हो गई, आई की वैल्यू वन है, वन इज़ लेस देन एन, वन इज़ लेस देन सिक्स। हम चेक करेंगे ए ऑफ वन के साथ, ए ऑफ वन क्या है हमारा नाइन, नाइन के साथ चेक करेंगे, नाइन इज़ इक्वल टू टू, नो। हम फिर से आई की वैल्यू को चेंज कर देंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करेंगे, आई की वैल्यू टू, टू इज़ लेस देन एन, टू इज़ लेस देन एन, टू लेस देन सिक्स। तो हमने ए ऑफ टू से कंपेयर किया, ए ऑफ टू क्या है हमारा टेन, टेन इज़ इक्वल टू टू, नो। हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन, हमारा क्या हो गया थ्री, ठीक है। ए ऑफ थ्री के साथ मैच करेंगे, ए ऑफ थ्री इज़ इक्वल टू वैल, यस। हम क्या कर देंगे, पोजिशन की वैल्यू सेट कर देंगे थ्री और वैल्यू फाउंड एट थर्ड लोकेशन, ठीक है। और हम क्या कर जाएंगे, सिंपली एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह से जब हम लीनियर सर्च परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारा एन साइज़ का एरे है तो हमारे जो इस एल्गोरिथम को रन करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन। ये ऑर्डर ऑफ एन किस केस में रहेगी, वर्स्ट केस में हम लेकर चलते हैं। वर्स्ट केस हम किसे कहते हैं, कि हमने क्या मीन्स वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन इस लीनियर सर्च एल्गोरिथम में क्या होगी, कि हम पूरे के पूरे एरे को सर्च कर चुके हैं मगर हमें वो एलिमेंट उस एरे में नहीं मिला। तो एरे का साइज़ क्या है, एन है, तो हमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ा। तो इसलिए हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस लीनियर सर्च एल्गोरिथम की, वो क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ एन रहती है। और बेस्ट केस में क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस्ट केस में हमें उस एलिमेंट को सर्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस लीनियर सर्च एल्गोरिथम की क्या एडवांटेजेस हैं, इट विल परफॉर्म फास्ट सर्च, और फास्ट सर्च किस केस में होगी, स्मॉल टू मीडियम लिस्ट में, क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट का साइज़ बढ़ेगा, एरे का साइज़ बढ़ेगा, उतना ही हमें वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ये स्मॉल टू मीडियम लिस्ट में फास्टली सर्च परफॉर्म करता है। द लिस्ट डज नॉट नीड टू बी सॉर्टेड,
हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पूरे के पूरे जो एरे है उसे पहले सॉर्ट करना पड़े. नॉट अफेक्टेड बाय इंसर्शंस एंड डिलीशंस, उस एरे में कैसे भी इंसर्शंस करते रहें एलिमेंट्स का या डिलीशन करता रहें, उसका इस सर्चिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इट प्लेसेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एलिमेंट्स. तो ये जो लीनियर सर्च एल्गोरिदम है वो किसी भी तरह के एरे पे इम्प्लीमेंट हो सकती है और ये कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है जो उस पर अप्लाई नहीं करती. तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, इट विल परफॉर्म द सर्चिंग ऑफ आइटम इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम. ठीक है, तो वर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो ऑर्डर ऑफ एन रहती है. तो जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ेगा एरे का और हमें लास्ट तक सर्च करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कंपैरिजंस बढ़ जाएंगे, तो उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, जो कि अच्छी नहीं है. तो परफॉर्मेंस है जो लीनियर सर्च एल्गोरिदम की वो इम्प्रूव की जा सकती है. कैसे, अगर हम जो एरे है उसे सॉर्टेड लेकर चलें. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट लीनियर सर्च एल्गोरिदम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी सर्च एल्गोरिदम. थैंक यू वेरी मच.